सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशीष को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो आपके मोबाइल की नॉच के लिए है, तो आप जितने भी आपके मोबाइल के नॉच है उसके बारे में एक खुफिया ट्रिक लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके मोबाइल की नॉच में कौन सा खुफिया ट्रिक छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना जा रहा हूँ कि आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहें और आगे हमको बढ़ाते रहें। और एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि अभी छठ पूजा आने वाला है, तो छठ पूजा का अगर आपको ब्लॉग चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको छठ पूजा का ब्लॉग दे दूंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, तो चलिए देख लेते हैं कि हम आपके मोबाइल की नॉच को कैसे एक अलग तरह से डिजाइन दे सकते हैं और अलग तरह से उसको सजा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसको अलग तरह से डिजाइन देने के लिए एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है स्टेटस बार एंड नॉच। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसका कुछ ऐड आएगा, उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए स्टेटस बार के बगल में अप बटन दिखा रहा है, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद देखिए ऊपर में एक फ़ोटो की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं चाहूँगा कि और कोई स्टाइल लगे तो स्टाइल में जाएंगे, फ्रेम हुई हो सकता है, स्टाइल भी होता है। स्टाइल में अगर जाएंगे तो बहुत तरह का स्टाइल होगा, तो जिसको मैं चाहूँगा उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए ऊपर में लग गया है। अब मैं चलता हूँ नॉच के तरफ। अगर आप चाहते हैं कि नॉच अलग अलग तरह की नॉच बन जाए, तो जैसे मैं ऊपर में देखिए दिखा रहा है, तो इसको अगर नॉच करना चाहता हूँ तो देखिए नॉच बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहले वाला नॉच था वही हो जाए, तो देखिए पहले वाला भी नॉच कर दे रहा हूँ, तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो गिव रहता है उसको ऐड करने के लिए, तो नीचे में देखिए गिव है, इसको अगर लगाएंगे तो देखिए दिखाई दे रहा गिव। अब उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अपना ही इमेज कोई लगाए तो गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जैसे मैंने ये फोटो ले लिया, लेने के बाद ऐसे कर दिया, करने के बाद अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद देखिए ऊपर में नॉच में आपका फ़ोटो लग गया है। तो इससे आपकी नॉच को और अच्छी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।